नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का RPG's रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे चना दाल के वड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं और आप चाय के संग नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते चने दाल के वड़े। उसके लिए मैंने 3 कप चना दाल ली। आपको जितने वड़े बनाने हैं आप उस हिसाब से दाल ले सकते हैं। और ये दाल को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, मैंने सिर्फ चना दाल ली, कोई मिक्स नहीं किया। अभी इसको अच्छे से धोते हैं। धो के हम ये देखिए इस तरह से हो गई है और इसको अब पानी डाल के होल नाइट भिगो के रख देंगे। जो पानी हमने भीगने के लिए डाला था वो निकाल के हमने इसके अभी 2 पार्ट करने हैं। इस तरह से देखिए 2 पार्ट की, एक पार्ट को हम पीसेंगे और दूसरा एकदम साबुत रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अभी हमने जो पीसा है उसमें मैंने ये चीज़ें मिक्स की है, लहसुन, अदरक, मिर्ची और पालक। ये आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने दूसरे मसाले लिए हैं, उसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया है, ये सीजनेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। हरा धनिया लिया है और मैंने प्याज लिया है। चना दाल में या वड़े में या पकौड़ों में प्याज बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो प्याज मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ में लिया है। और ये इसमें मैंने मसाले लिए, ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच और मैंने कड़ी पत्ता लिया है, नमक स्वादानुसार, जीरा, सौंफ, मिर्ची कम ज़्यादा स्वादानुसार कर सकते हैं। और मैंने तिल लिया है, तिल टोटली ऑप्शनल है, ये थोड़ा सा भुना हुआ है। और मैंने लिया है कसूरी मेथी और मैंने अजवाइन लिया है और लाल मिर्च, आप इसमें कम ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। और पालक लिया है, पालक 1/2 पालक हमने पीस लिया था, 1/2 पालक हम रफली चॉप करेंगे। तो चलिए बड़े पॉट में डो बनाते हैं। इसके लिए मैंने साबुत चने की दाल डाल दी पहले, भिगी हुई है जो आधी ली थी हमने। और इसमें अभी हम पेस्ट्री मिला लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल के मैंने अच्छा सा पेस्ट किया, पर एकदम फाइन पेस्ट नहीं है, हल्का सा दरदरा ही है। और अभी हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। इसमें हम अभी जो प्याज लिया है सिंपल वाला वो ऐड कर देते हैं, मैंने बड़े साइज में लिया था। हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसमें हमने जो ड्राई मसाले लिए वो भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला है जो मैंने ऐड कर दिया, धनिया पाउडर, कड़ी पत्ता या बारीक भी काट सकते हैं या ऐसा भी रख सकते हैं, मैंने ऐसा ही डाल दिया है। हम इसमें तिल ऐड कर देंगे और इसमें मिर्ची मैंने मोटी साइज में काटी है, आसानी से निकल जाए करके पकौड़े में, आपको अगर बारीक चॉप करनी है तो बारीक भी चॉप कर सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और अजवाइन हमने थोड़ा सा रोस्टेड है वो ऐड करेंगे, आप कच्चा भी है होता है वो डाल सकते हैं, कच्चा अजवाइन, नमक स्वादानुसार। और इसमें अभी हम सौंफ वो भी ऐड कर देंगे, वो भी हल्का रोस्टेड है, और कसूरी मेथी, इसको सब मिला लेते हैं। और पालक जो हमने लिया है उसको रफली चॉप करेंगे, एकदम पेस्ट वगैरह या बारीक फाइन चॉप नहीं करेंगे, हम रफली चॉप करेंगे। ये देखिए इस तरह से, आपको पालक अगर ज़्यादा डालने तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अभी हम इसमें आटा मिलाएंगे, 3 चम्मच आटा लिया मैंने, आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमें डो बनाना है उस हिसाब से हम आटा लेंगे। अगर आपकी दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा है तो आप थोड़ा आटा ज़्यादा ले सकते हैं, आप बेसन भी मिला सकते हैं इसमें। अभी इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, हमने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं और अभी हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसमें अभी हम गरम तेल, जिसको हम मोयन बोलते हैं, वो डालेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक वगैरह है वो अच्छे से लग जाए। और ये मोयन डाल रहे हैं हम इसमें, 2 चम्मच डालूंगी मैं। और इसको अभी अच्छे से मिला लेते हैं, आप हाथ से भी मिला सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए हम इस तरह से अच्छे से मिला रहे हैं, मैं स्पैचुला से ही मिला रही हूँ, वो तेल गर्म हो जाता है तो आप थोड़ा सा संभल के ही मिलाइए। देखिए इस तरह से हमारे अभी अच्छे से डो बन गया है। हमने रोटी का डो नहीं बनाना है, हमने इसी तरह का डो बनाना है। देखिए थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा टाइट, इस तरह से ये बन गया है डो।
अभी हम इसके वड़े बनाएंगे। ये देखिए, इसे हाथ में लेंगे, आप जो भी साइज़ के बनाने हैं आप उस साइज़ से बना सकते हैं, आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं जैसे रेस्टोरेंट में होटल में मिलते हैं उस हिसाब से। और गरम तेल, एकदम गरम तेल में डालेंगे और उसको मीडियम पे पकाएंगे। तो इस तरह से हमने गरम तेल करके उसमें डाल रही हूँ मैं, देखिए इस तरह से, जितनी आपकी कढ़ाई में आती है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको एकदम गरम तेल में डालने के बाद मीडियम आँच पर पकाएंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। और इसको पलटाते जाएंगे, देखिए इस तरह से, एक साइड से पकने के बाद हम इसको पलटाएंगे, बिल्कुल फूटते नहीं है और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए इस तरह से जो पक जाते हैं हम उसे निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये हमारे बड़े अच्छे से पक रहे हैं, ये देखिए इस तरह से गोल्डन हो, ब्राउन हो गए पूरे। अभी हम इसे पलटा पलटा के, तो अगर दोनों साइड से पक जाते हैं तो हम निकाल लेते हैं। बाकी सभी वड़े हम इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसको आप चाय के संग ले सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं पालक के संग चना दाल वड़े। देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं हम, आप अच्छे से तेल निकल जाए इसका जो एक्स्ट्रा तेल रहता है, इसलिए हमने पेपर नैपकिन लिया है उस पर रखेंगे। तो चलिए बाकी सभी इसी तरह से बना लिए हमने, ये बन गए हमारे चना दाल वड़े। इसको हमने कढ़ी के संग सर्व किया है, आप किसी और भी चीज़ के संग कर सकते हैं, पर कढ़ी के संग बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज, खाते रहिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के संग, तब तक RPG's रेसिपीज।